रिसेंटली इंटरनेट पर काफी सारे आर्टिकल सरफेस कर रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि हाइव ने यानी बिगहिट ने जिमिन और सोंगना उनकी डेटिंग के ऊपर अपना फाइनल रिप्लाई दे दिया है और बिगहिट का इस पर क्या कहना है ये बात भी पता चल चुकी है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि बिगहिट ने इस पर क्या फाइनल रिप्लाई दिया है, क्या उन्होंने सोंगना और जिमिन को एक कपल की तरह एक्सेप्ट किया है या फिर इस बात को रिजेक्ट किया है, ये जरूर जान लीजिए कि आप BTS की धमाकेदार और फनी वीडियोस हमारे चैनल एडुफेक्स रिएक्शन पर देख सकते हैं, जहां पर मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक दिया है। तो दोस्तों, जिमिन और सोंगना को लेकर काफी टाइम से डेटिंग रूमर्स चल रही हैं और हर दूसरे दिन हमें कोई नया प्रूफ मिल जाता है जो इस बात को प्रूफ करता है कि जिमिन और सोंगना के बीच में कुछ चल रहा है। इवन सोंगना ने लाइव आकर अपने काफी सारे फैंस को इसके बारे में रिस्पॉन्स दिया था और कुछ और नए नए प्रूफ्स वो सामने लेकर आई थी, जिसको देखने के बाद फैंस काफी कंफ्यूज हो गए ये सोचकर कि ये डेटिंग की जो रूमर है वो सच है या फिर झूठ। और दोस्तों, बिगहिट से जब इसके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब बिगहिट का इस पर फाइनल रिप्लाई क्या है? तो दोस्तों, इस पर अभी भी बिगहिट का फाइनल रिप्लाई उनकी चुप्पी ही है। कई सारे और सोशल मीडिया चैनल्स ने और न्यूज मीडिया रिपोर्टर्स ने बिगहिट को कॉन्स्टेंटली टैग करके उनसे सोंगना और जिमिन के रिलेशनशिप पर जवाब देने की बात कही थी, लेकिन न्यूज और मीडिया से पता चला है कि बिगहिट ने इसके ऊपर अपनी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। बिगहिट के सामने से ये सवाल पूछे जाने के बावजूद भी बिगहिट ने इसे रिजेक्ट नहीं किया, जिसके बाद कई सारे फैंस का मानना है कि बिगहिट इनडायरेक्टली सोंगना और जिमिन की डेटिंग रूमर्स को सच बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर रिजेक्शन नहीं दिया है। हालांकि बात करी जाए BTS के मेंबर जिमिन की, तो अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी आंसर नहीं किया है और सोंगना ने भी डेटिंग के ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, लेकिन जब बिगहिट से पूछा गया था तो बिगहिट ने मना नहीं किया, जिसकी वजह से कई सारे फैंस का मानना है कि किसी बात को मना ना करना एक तरीके से उस बात को हाँ करना या फिर एक्सेप्ट करना ही माना जाना चाहिए। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिगहिट जानबूझकर इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि इस समय इस डेटिंग रूमर की वजह से जिमिन को पॉपुलैरिटी मिल रही है और जल्दी ही BTS के मेंबर्स वापस आने वाले हैं, तो शायद बिगहिट और कंट्रोवर्सी करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी मिन है जिनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट कई सारे लोगों का ये मानना है कि जवाब ना देना और मना ना करना एक तरीके से डेटिंग रूमर को एक्सेप्ट करने की बात है, तो कहीं ना कहीं बिगहिट का आंसर यही है कि वो ये मानते हैं कि जिमिन और सोंगना एक रिलेशनशिप में है। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिगहिट जानबूझकर इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि इस समय इस डेटिंग रूमर की वजह से जिमिन को पॉपुलैरिटी मिल रही है और जल्दी ही BTS के मेंबर्स वापस आने वाले हैं, तो शायद बिगहिट और कंट्रोवर्सी करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी मिन है जिनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बट कई सारे लोगों का ये मानना है कि जवाब ना देना और मना ना करना एक तरीके से डेटिंग रूमर को एक्सेप्ट करने की बात है, तो कहीं ना कहीं बिगहिट का आंसर यही है कि वो ये मानते हैं कि जिमिन और सोंगना एक रिलेशनशिप में है।